बाद हमारी कोर्ट मैरिज हरदोई में हुई। कोर्ट मैरिज के बाद जब मैं अमेरिका गई और अमेरिका में मुझे प्रखर मिश्रा और उनकी बहन सब लोगों ने मिलकर काफ़ी मेंटली एंड फिजिकली टॉर्चर किया। मेरे सास ससुर भी वहाँ आए थे शादी कराने के लिए। मेरे ससुर जो हैं वो DSP हैं CID में इंदौर में, और वो अपने पद का काफ़ी मिसयूज़ कर रहे थे उस दौरान। और जब मुझे अमेरिका जाने के बाद ही पता चला कि मेरे पति जो हैं वो फिजिकली अनफिट हैं, और जिस तरह मैं कोऑपरेट करके ये रिलेशन को ड्रैग करती आ रही थी, जब बहुत ज़्यादा लिमिट हो गई, इन्होंने मुझे टॉर्चर करना बिल्कुल बंद नहीं किया, तो मैंने इसकी कंप्लेंट जो है वो अपने सास ससुर से की। ससुर जी ने मुझसे भद्दी भद्दी बातें करी प्रखर के ऑफिस जाने के बाद। ये बोला कि जो तुम्हें मेरे बेटे से नहीं मिल रहा है वो मैं तुम्हें दूंगा, तुम बिल्कुल परेशान मत हो। तब मैंने उनसे ये बोला कि आप ये कैसी गंदी बातें मुझसे कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे कहा कि सुनो, अगर तुम ऐसा नहीं करोगी तो मैं तुम्हारे माँ बाप को गलत केस में फंसा दूंगा, क्योंकि मैं DSP हूँ इंदौर का। तुम ये मत भूलो कि तुम्हारा जो पति है वो एक पुलिस वाले का बेटा है। और उन्होंने इस चीज़ को बहुत मेंशन किया। तो मैंने किसी तरह पापा से बोला, तो पापा ने मुझे जब इंडिया बुलाया, इंडिया आने के बाद हम लोग इंदौर गए। हम लोगों ने बहुत ट्राई किया कि रिलेशन बन जाए, बट इंदौर जाने के बाद उन्होंने हमें घर में घुसने नहीं दिया। और ये भी बोला, मेरे ससुर के द्वारा ये बोला गया है कि आप ज़बरदस्ती मिलोगे। फिर वो हरदोई आए, हरदोई में भी आके उन्होंने 3 दिन का समय मांगा कि हम मैटर को सॉर्ट आउट कर लेंगे। उसके बाद उन्होंने फिर अपना चकमा दिया और बोले कि हम तुम्हें जो करना है कर लो, मैं तो पुलिस में हूँ और मैं अपना पुलिसिया दिमाग चला के तुम्हें तुम्हारे पापा को फिर से फंसा दूंगा। इतना बोल के वो चले गए हरदोई से। मैंने इम्पोर्टेंसी की बात सास ससुर से बोली। सास ने तो मेरे करेक्टर पर उंगली उठाई, और जो कि हर माँ अपने बच्चे को डिफेंड करने के लिए करती है, बट ससुर ने तो इतनी गंदी बातें करी हैं कि मैं आपको ऑन स्क्रीन नहीं बता सकती। हाँ, एक महिला है रूपाली त्रिवेदी, डॉक्टर आप मनोज कुमार द्विवेदी, ये रहने वाली कोतवाली शहर की हैं। इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया है कि 2019 में जीवन साथी ऐप से एक प्रखर मिश्रा इनसे इनकी बातचीत हुई, और उसके बाद इनकी शादी 6/2/20 को शादी हुई। इसके बाद परिवार वाले जो है इनको प्रताड़ित करते रहे, और इन्होंने 11 लाख रुपए और सोने की अंगूठी और खर्चे मांगे हैं। इस संबंध में आज इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया है, जिस पर उचित धाराओं में थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि अभियोग पंजीकृत करें और इसमें आवश्यक विधिक कार्रवाई करें। कितने लोगों के खिलाफ? इन्होंने 5 लोगों के खिलाफ एप्लीकेशन दिया है।